आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वेदर द रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर द सेम थिंग। देखिए दोनों ही एक तरीके से एंडिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट का, बट देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, जो रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें स्टेटस को एंटे पोजीशन आ जाती है। स्टेटस को एंटे पोजीशन का मतलब है कि ऐसे हो जाएगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं था, तो रिसाइड कर दिया गया उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड और वॉइडेबल की सेंस में। सेक्शन 27 और स्पेसिफिकली बात करता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप रिसेशन कर सकते हो, रिसाइन कर सकते हो। लेकिन कैंसिलेशन क्या होता है, कैंसिलेशन का मतलब होता है कि जब एक पार्टी ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी उसको चाहे तो कैंसिल करवा सकती है। इसमें क्या होता है, स्टेटस को एंटे नहीं होता, इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट तो होता है बट अब उसको कैंसिल कर दिया गया है, उसकी एग्जिस्टेंस होती है कॉन्ट्रैक्ट की लेकिन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब रिसाइन ही कर दिया गया उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है, वो ऐसे हो जाएगा कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस, जो कई बार हम जो है एग्जाम के अंदर क्या है इस प्रकार की प्रॉब्लम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर रिसाइंड हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट या कैंसिल हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 27 जो है वो बात करता है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकली, फैक्ट की, और सेक्शन 30 जो बात करता है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। तो ये दोनों चीजें जो है डिफरेंट भी है और दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम भी है।